हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं लोनावला में। लोनावला में एक वीराई के मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ मेरे दोस्त ने नई बाइक ली है, उसके भी हम लोग पूजा उधर ही करने वाले हैं। और पूजा करते ही फिर हम लोग लोनावला के थोड़े व्यू पॉइंट्स में जाएंगे। व्यू पॉइंट्स में जाके उधर के नज़ारे देख के थोड़ा बहुत, आज सैटरडे है तो सैटरडे का दिन एंजॉय करके आप बनाएंगे। चलिए मिलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल गैरेज में, क्योंकि मेरे दोस्त की नई गाड़ी आई है तो उसका नंबर प्लेट आया नहीं था, तो अभी हम लोग नंबर प्लेट लगा के निकलेंगे लोनावला के लिए। तो साथ रहिए, देखते रहिए कि क्या होता है आगे, क्या कैसे कैसे बारिश होता है, या फिर कैसे कैसे राइडर्स मिलते हैं, या फिर जो भी रहेगा आप देखते रहिएगा। ये देखिए, यही है वो नई गाड़ी R15M, जो कि ये शुभम गुणगी मेरे भाई ने ली है। अभी हम लोग नंबर प्लेट लगा के आपको वापस मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये है कलवा नाका, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अभी हम लोग ये कलवा के ब्रिज से लेफ्ट लेके अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा लोनावला के राइड पे। ये देखिए, ये हजार स्विच जो है वो, जो कि R15 के अभी V4 में दिया गया है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत यूज़फुल है ये फीचर। काश हम लोग V3 में भी दिया रहता। ये कुछ नहीं, हम लोग बाकी बाहर से लगा सकते हैं इसको, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके स्विच वगैरह लगाना पड़ता है, स्विच का नेसेसरी है। और एक फ्लैशर जो आता है उसको स्विच की ज़रूरत नहीं है, इधर से ही कंट्रोल होता है, तो वो भी लगा सकते हैं। तो होप सो कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, और ये हैज़र्ड स्विच जो है वो आगे जाके हम लोग भी बिठा लेंगे अपने भैया R15 V3 में। ये देखिए, अभी हम लोग विटावा के रास्ते पे है, आगे जाएंगे तो विटावा आएगा। अभी जाते जाते हम लोग इसका नंबर प्लेट लगा के जाएंगे। और मैंने कुछ गियर्स पहने हैं, राइडिंग गियर्स, जैसे कि मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिले हैं, जो कि एक जैकेट है, ग्लव्स है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, रुकते किधर तो, या फिर आपको ये फोटोज़ वगैरह अपलोड करूँगा इसमें तो आपको दिख जाएगा। बारिश है थोड़ी थोड़ी हल्की, सुबह सुबह हो रही थी, वरना हम लोग सुबह 6 बजे निकलने वाले थे। 6 बजे निकल के हम लोग जाने वाले थे, पहले तो स्टार्टिंग में एक्वीरा आई, क्योंकि हम लोग 6 बजे अगर निकलते तो पहुँच जाते लगभग 9-10 के करीब, अगर आराम से जाते तो, और जल्दी जल्दी जाते घाई घाई करके तो कम से कम 9 बजे तो पहुंच ही जाते। बट नहीं, बारिश बहुत ही ज़ोर की थी। देखिए, अभी भी बारिश का नाम लेते ही बारिश चालू हो गया है। नाम लिया नहीं कि बारिश चालू, होप सो आगे बारिश ना हो, क्योंकि जो मैंने राइडिंग गियर पहना है वो वाटरप्रूफ नहीं है, उसके लिए मेरे को अलग से ये जैकेट खरीदना था, मतलब रेनकोट जैसा उसके ऊपर पहनने के लिए। बट होप सो बारिश ना हो, हल्की बहुत होगी तो ठीक है, बट ज़्यादा होगी तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, या फिर मैंने जो एक ये लिया है जैकेट या रेनकोट वो उसके ऊपर पहनना पड़ेगा। नॉर्मल है, इसके राइडिंग गियर्स का नहीं है, नॉर्मल ही जैकेट है, वो पहन के जाना पड़ेगा। कह रहे तेरा नंबर प्लेट वाला मिला नहीं अभी तक। ट्रैफिक इधर, इसका ऑटो बंद पड़ा है, पंचर हो गया है, इस वजह से ब्रिज के ऊपर ही होता है बेचारे। बहुत लोगों का ऐसा देखा है कि उनका जिधर भी अटकते ना, ब्रिज के ऊपर या फिर हाईवे के बीच में, अभी उन लोग की भी गलती नहीं है, वो तो कभी भी किधर भी हो सकता है पंचर। बट मैं सलाह यही दूंगा
कि जब भी पंचर हो गाड़ी या फिर बंद पड़े तो कोशिश कीजिए कि ब्रिज के नीचे लेफ्ट में लगा के आप जो भी पंचर निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप ब्रिज पे ही करोगे तो पीछे से कोई भी आके आपको अनजाने में ठोक के जा सकता है। तो ये घटना बचाने के लिए आप पंचर हुई है ना, ठीक है ना, एक 500 मीटर भी ज़्यादा हो गया, 200 मीटर तो आगे जा सकती है गाड़ी, तो फिर आगे जाके लेफ्ट में आप दबा के गाड़ी को पंचर निकालिए। अगर हाँ बड़ा ब्रिज है, बहुत फ्रीवे है और आसपास में रुकाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो प्लीज़ आप पहले टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, जिसकी वजह से आपको वो जो गाड़ी सेफली लेने को आती है वो आए और आप फिर आप जो भी है पंचर विंचर आराम से निकाल पाओ, क्योंकि ये हाईवे पे करना बहुत रिस्की रहता है। ये शुभम मेरे को किधर दिख नहीं रहा है, किधर गया ये? अच्छा इतना आगे पहुंच गया। बहुत आगे चला गया। ये देखिए रोड खराब है तो आराम से जाना ही बेस्ट है, कुछ भी घाई नहीं मत करो। ये सब आप अगर फ्रीली एकदम फास्ट जाना चाहते हो ना, तो जब भी सूखा रहता है ना रोड, या फिर ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में, तभी आप तो ज़्यादा इससे थोड़ा फास्ट चला सकते हो, बट ये बरसात के टाइम पे जब भी गीला रहता है ना रोड, तभी प्लीज़ सबके लिए बोल रहा हूँ थोड़ा आराम से ही जाओ। अगर कितना भी ऑफिस में घाई हो, लेट हो रहा हो, बॉस चिल्ला रहा हो, कुछ भी हो, बट आपकी जान से ज़्यादा तो नहीं है ना, तो इसके लिए प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन कि प्लीज़ आप थोड़ा आराम से ही चलाइए। बाइकर्स स्पेशली ये बाइकर्स वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो बाइक से जाते हैं रोज़ अप डाउन करते हैं। कार वालों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है बरसात में, वो तो आराम से रिलैक्स होकर जा सकते हैं, बट बाइक वालों को ये टाइम पे थोड़ा बारिश में आराम से चलाओगे तो थोड़ा बेहतर है। ये देखिए ये ब्रिज जो आया ना, ये वाशी का ब्रिज है, तो अपने को वाशी के ऊपर से नहीं जाना है, नीचे से जाना है। ये देखिए इधर सिग्नल है और आगे जाके भी इधर पांडू लोग खड़े रहते हैं, तो आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो राइट में रखिए गाड़ी और फिर निकाल दीजिए, आगे चले जाइए। शुभम गया किधर? अभी हम लोग खुले रोड पे पहुंच गए, फिर भी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक लग रहा है आगे, बट ठीक है, थोड़ा लेट निकले हैं तो इससे सबसे ट्रैफिक तो लगना ही है। कुछ नहीं, आराम से जाएंगे, कुछ घाई नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से जाएंगे। अपना दोस्त आया नहीं? अच्छा उधर है। ये देखिए ट्रैफिक हमेशा ना इधर कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ये रुकता है, कोई वो रुकता है, इसका गाड़ी बीच में आ जाता है, ये वो होता रहता है, ये करो तो वो करो तो ये वो, पर ठीक है, अपने को खुला रास्ता मिलते ही अपन भगाना चालू कर देता है, बट नहीं आज हम लोग आराम से ही जाएंगे, कुछ घाई नहीं है, कुछ गड़बड़ नहीं है, आराम से धीरे धीरे जाएंगे। ये हम लोग अभी ऐसे ही मस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते करते राइड करेंगे,
देखिए आगे रास्ता शायद खुला रहेगा तो आराम से एकदम 60-70 के स्पीड में ही जाएंगे, कुछ घाई नहीं है, कुछ भी नहीं। और मैंने गए व्लॉग में जैसा बताया था कि ट्रक से, बस से, जब भी आजू बाजू से जाओ हॉर्न बजाते जाओ, क्योंकि उनका ध्यान रहता नहीं है आजू बाजू में, डायरेक्ट घुमा देते हैं राइट या लेफ्ट, तो हॉर्न बजाओ, नेसेसरी है। मस्त लगती है ना R15 MB, ज़बरदस्त लगती है। रात भर सो नहीं पाया मैं, एक्साइटमेंट में कि जाना है, सुबह उठना है, 5 बजे उठना है, और रात भर सोया नहीं तो उठ गया 5 बजे। 5 बजे उठ के देख रहा हूँ तो क्या बारिश, इतना बारिश कि अब क्या ही बोलूँ, इतना बारिश हो रहा था। तो फिर थोड़ा हम लोग ने वेट किया 6 बजे तक कि चलो अभी जाएगा, फिर भी गया नहीं। तो फिर मैं बैठे बैठे इंतज़ार करते करते ही सो गया, आँख लग गई। तो फिर इसका शुभम का फ़ोन आने लगा मेरे को कि चल वरना जाने का है। तो तब तक एक्चुअली 8:45 तक बारिश जा चुका था, तो फिर हम लोग फिर रेडी होके निकल गए। अभी हम लोग सीधा जाएंगे पहले एकवीरा मंदिर, फिर उसके बाद जिधर भी घूमना है उधर घूमेंगे। अभी आगे जाके ही पता चलेगा कि कितना गर्दी है, कितने भक्त आए हुए हैं मंदिर के लिए। ये देखिए बीच में ही रोक देते हैं ये रिक्शा वाला, देखिए ये अनपढ़ लोग हैं ना जो इनको गिरा के लिए बीच में ही रोक देते हैं। अरे रुकाओ ना साइड में, देखिए रुकाओ, इतना लेफ्ट में जगह खाली पड़ा है, उधर रुकाओ, क्यों बीच में ही रुकाना है। देखिए आगे पांडू मामा खड़े हैं, तो अपन राइट में ही गाड़ी रखेंगे तो अच्छा है। मैं पांडू लोगों से इसलिए नहीं डरता कि मेरे पास ये गाड़ी की पेपर क्लियर नहीं है, मैं इसलिए साइड में जाता हूँ ताकि मेरा टाइम मैं बचा सकूँ, क्योंकि वो रुकाएंगे, पेपर चेक करेंगे, ये वो ऐसा है वैसा है, ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, ऐसा है वैसा है करके कुछ ना कुछ टाइम पास करेंगे, उसमें हमारा भी टाइम पास, फिर आगे जाके लेट होएगा। तो इससे अच्छा अपना जितना बच सकते हो इन लोगों से बच के जाओ, वो अच्छा है, क्यों टाइम पास करने का। ये देखिए शुभम भगा ही रहा है, मैं तो उसको बोला था 60-70 के ऊपर मत जा, बट ठीक है, उसका भी अभी नया गाड़ी है तो उसको भी एक्साइटमेंट है फटाफट जाने का। तो हम लोग आराम से ही जाएंगे क्योंकि रोड गीला है और गीले रोड पे मेरे को भरोसा नहीं है। ये देखिए ऐसा अचानक से रोड आ जाता है ना तो ये रिस्की रहता है। ये देखिए ऊपर हम्प जैसा, ऐसा प्लेन नहीं बना है, ऐसा थोड़ा सा ऊपर बना है, इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए भाई आराम से चलाओ, कोई घाई नहीं है, आराम से जाएंगे, आराम से आएंगे। हाँ ठीक है, प्लेन रोड मिला एकदम अच्छा रोड है तो भगाने के लिए ठीक है, बट ऐसे रोड पर नहीं। ये देखिए शुभम का ऑफिस इधर ही है, तो ये इधर रोज का इसका अप डाउन है, अच्छा उसके पीछे है। नहीं अभी ऑफिस नहीं जाना है अपने को, ऑफिस नहीं जाना है। औरम, अच्छा औरम, ये देखिए औरम जिधर लिखा है इसका ऑफिस है, ये रोज इधर आता है अप डाउन करता है, इसके लिए गाड़ी सही है, बेस्ट है, एवरेज में भी ज़बरदस्त और बाकी सब चीज़ों में ज़बरदस्त है ये बाइक। पिकअप जैसे कि लास्ट वीडियो में बताइए, इसकी जितनी तारीफ करूँ उतना कमी है।
थोड़ा रुक रहा है। शुभम के फ़ोन में चार्जिंग नहीं है तो मैंने बोल दिया उसको कि पावर बैंक में लगा दे। देखिए चिक्कल कितना उड़ रहा है। डीएचजी को चिक्कल लग गया, माफ़ कीजिएगा डीएचजी, नई जैकेट पे थोड़ा चिक्कल उड़ गया है, शायद जाएगा नहीं। हाँ ठीक है, नहीं तो ड्राई क्लीनिंग को दे देंगे। थोड़ा ही दूर पहुँचे हम लोग कोटियार बाय मैरियट के इधर, बट गाड़ी की हालत देख सकते हो इतना चिक्कल से भरी पड़ी है। ये सब होते ना रिकॉर्डिंग, चिक्कल से भरी पड़ी है। अभी आगे आगे जाते तो और ये गंदा होएगा। अच्छा वो मैंने धोया नहीं गाड़ी को, वैसे ही लेके जा रहे हैं, बाद में आने के बाद हम लोग इसको धोएंगे। वापस अपन आगे जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद इसके नंबर प्लेट लगाना ज़रूरी है, वरना पुलिस वाले तो आपको पता ही है, नई गाड़ी को भी नहीं छोड़ते, थोड़ा समझ के भी नहीं लेते। इसके लिए हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किधर गैरेज है, या फिर मतलब गैरेज वाले तो मिल गए बट इसके जो स्क्रूज़ है ना वो अपने को नहीं मिल रहे, तो स्क्रू किधर है वो अपने को ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। और ये जो गाड़ियाँ रहती है ना उस पर थोड़ा डिस्टेंस बना के ही चलाओ, क्योंकि अगर गड्ढा है तो आपको दिखे कि ये गड्ढा है तो आपको राइट या लेफ्ट लेने की जगह रहे, तो उसके बैक टू बैक चलाओगे तो आपके पास गड्ढे में जाने के अलावा कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। ये देखिए मस्त ग्रीनरी है, बारिश होके चली गई, अभी रोड सूख रहा है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, रोड सूखने पर गाड़ी चलाने का मज़ा ही अलग है। और जब भी अपना ये रहता है, गीला रहता है रोड, तो थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा आराम से ही चलाओ कॉर्नरिंग के टाइम पे भी। ये देखिए ये जो दिख रहा है ना मस्त अच्छा है, पता नहीं क्या है, एक बार जाना है उधर। ये देखिए इडियट, इसमें इडियट ड्राइवर्स बहुत भरे पड़े हैं। उन लोगों से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि आप सावधानी से चला सकते हो गाड़ी। बाकी ये इडियट ड्राइवर से बचने के लिए कुछ भी तरीका नहीं है, तो यही ऑप्शन है कि आप ही सावधानी से गाड़ी चलाइए। पता नहीं ऊपर से जाना है क्या अपने को, हाँ ऊपर से जा रहा है सुबह। सीधा जाते 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 एक्सप्रेस वे जिधर मिलेगा ना उधर से बिल्कुल नहीं जाना है, उसके नीचे से जाके अपने को राइट मार के वापस सीधा सीधा जाने का है। ये देखिए सबकी फेवरेट गाड़ी वैगनर, अपने लेजेंड जी बोलते ही रहते, वैगनार वाले भैया जी। बहुत सारे इडियट ड्राइवर्स भी रहते हैं जो कि बीच में ब्रेक मारने की बहुत आदत होती है, जैसे कि ये क्रेटा वाला बीच में ही ब्रेक मार रहे हैं बिना किसी रीजन से। ये देखिए ऊपर पब्लिक देखिए कितने सारे लोग जा रहे हैं ब्रिज के ऊपर से, मुंग्या वाटत। ऐसा ही रोड रहा ना जबरदस्त मजा आ जाएगा आज। ये देखिए ऐसा खुला खुला रोड मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा नहीं कि भगाने के लिए बट इसमें चलाने के लिए बहुत मज़ा आता है।
ऐसा खुला रोड पे, कुछ नहीं, एक ही स्पीड पे मस्त आराम से जाते रहो जाते रहो जाते रहो, कोई घाई नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। अभी हम लोग इधर लेफ्ट में रुकेंगे क्योंकि आगे का जो है वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, इसमें लिखा हुआ है कि बाइक की नॉट एंट्री, तो इसलिए अपन नीचे से जाएंगे अभी नीचे। अभी हम लोग इधर लेफ्ट में रुक के ना थोड़ा नाश्ता करेंगे क्योंकि नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इडियट ड्राइवर्स, जैसे कि आपको पता ही है इडियट ड्राइवर्स बहुत है हमारे देश में। हम लोग रुके थे यहाँ पे हाईवे के पास, बट अपने को नाश्ता तो कुछ अच्छा मिला नहीं, वड़ा पाव था, इतना बड़ा था, कितना बड़ा था रे शुभम, रुक एक मिनट न्यूट्रल कर ले, कितना बड़ा था शुभम वड़ा, इतना बड़ा था वड़ा इसके लिए, हाँ इतना छोटा देखने जा रहे, आगे शायद मिलेगा, इतना बड़ा नहीं जाएगा वो। स्ट्रेट पता नहीं, मैं गए बार तो उधर से घूम के गया था, सुनना मैं गए बार ऐसा गया था रे घूम के, वो तू लगा ना तब तक मैप, इतना लोड क्यों लेने का। ये डिजिटल क्लस्टर भारी है रे तेरा, टाके भी फुल, ओहो एवरेज देख 42.9, ओहो। एक्सचेंज करेगा क्या गाड़ी, ये तू ले ले हमेशा के लिए, ये वो मेरे को दे दे, सब गाड़ी अपनी है, जो तेरा है वो मेरा। कुठून दाखवते, ओके अरे गंदा होना ही है, तू कितना भी साफ कर गंदा होना ही है, ये ऐसा ही होता है। हाँ ठीक है, क्या एवरेज 20 का दे रहा है, 20 का ना आया पूछा है, ZX10R है 20 का एवरेज दे रहे, नहीं रहे वो गलत दिखा रहे, गलत दिखा रहे, 47-45 का देते है इतना पता है, बट ये इसमें कुछ तो अभी प्रॉब्लम हो गया है, वो एक बार दिखाना पड़ेगा, ये जो इंजन चेक लाइट है ना तभी दिखाऊंगा उसको कैसा अलग अलग क्यों दिखा रहे। इसको रीसेट कर देता हूँ, रीसेट किया है अभी, देखते कितना देती है, एकदम पारदर्शी। ये देखिए अभी हम लोग लोनावला जाने के लिए ओल्ड हाईवे पे ज्वाइन हो गए, ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे, तो अभी इधर से कुछ नहीं, आराम आराम से ही जाना है, रोड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, लेफ्ट में रुकाने को बोल रहा है, देखते क्या हुआ, फटी क्यों, इसका राइडिंग पता है मेरे को कैसा है वो ये जब भी एक्साइटेड होता है बहुत फास्ट, GoPro 15 देखिए नया लॉन्च हुआ है, हाँ पूरा गोल्ड प्लेटेड गोल्ड GoPro 15 है, चलिए अभी इसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग देखते कैसा आता है, कैसा बोलता है, चलिए
मैंने भी जैकेट अच्छे से पहन लिया है, चेन लगाया नहीं था, अभी वापस चेन लगा के अभी हम लोग सुरक्षित राइड चालू करते हैं। अभी अपने को लेफ्ट या राइट मारना है ये पता तो नहीं है, बट राइट ही रहेगा। बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये रोड पे चलाने के लिए। अभी हम लोग इसके मोबाइल से अपना फुटेज लेते हैं। देखिए बहुत ही खुला रोड है, खुला रोड मिलते ही ऐसा ज़रूरी नहीं है भागना, थोड़ा बहुत भागा सकते हो दिल के सुकून के लिए, बट आराम से जाओगे उतना बेहतर है। बिना हेलमेट के तो ड्राइविंग कीजिए मत, आपके लाइफ के लिए ख़तरा है। थोड़ा ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हेलमेट पहन लीजिए। NH 38 348, ये देखिए इधर से भी टर्न मत लीजिए, जाने दीजिए, जो करना है कीजिए, मेरे को क्या। गोवा लेफ्ट JNPT राइट, तो अपने को इधर से लेफ्ट लेना है। ट्रक के बाजू में हॉर्न तो याद रहेगा ना मेरी जान, हॉर्न जरूरी है मेरी जान, ट्रक के बाजू से जाओ तो हॉर्न तो मारते रहना। लेफ्ट लेना भाई अपने को। Our hearts beating like a drum.
पे फोन आ रहे हैं, जब भी मैं राइड पे जाऊँ, किधर बाहर रहूँ या घूमने जाऊँ, तभी मेरे को इतने फ़ोन आते हैं, इतने फ़ोन आते हैं कि मेरे को लगता है कि इन लोगों को तब भी मेरी याद आती है। वरना ऐसे जब भी मैं घर पे रहता हूँ तभी एक फ़ोन किसी का आता नहीं। ये उनको पता चलता है कि मैं किधर बाहर जा रहा हूँ तो जानबूझ के फ़ोन करते हैं, या फिर ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा, फ़ोन क्यों, इतने फ़ोन क्यों, बार बार मैं रुका के आपके फ़ोन को अटेंड नहीं कर सकता, थोड़ा समझे, सबको मैं अलग अलग से बता नहीं सकता, या फिर सबको सुबह सुबह मैं सबको फ़ोन करूँ और बताओ कि आज मेरे को फ़ोन मत कीजिएगा, आज मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो आज कृपया करके मेरे को फ़ोन मत कीजिए। देखिए इधर थोड़ा काम चालू है, मेंटेनेंस। आई हेट मेंटेनेंस बट आई लव टू राइड, बट मेंटेनेंस इज नेसेसरी, आई कांट अवॉइड। ये हाईवे टू हाईवे मिल रहा है यार, बहुत अच्छा है। गए बार तो मैं गांव से गया था, तो हाईवे टू हाईवे ज़बरदस्त। बट होप सो हम लोग सही रास्ते पे ही हो, नहीं तो पता चला कि एक्सप्रेस हाईवे पे ज्वाइंट हो गए और आगे पावती पट्टी। से एक्सप्रेस हाईवे तो नहीं है ये पहली बार ही आ रहा हूँ मैं ये रोड पे। गए बार शायद मैं आते वक्त ये रोड से आया था, उतना याद नहीं है कि यही रोड है या दूसरा। ये पहला राइड और गोप्रो पे पहला लंबा वाला वीडियो है जो कि लंबा जाने वाला है एक वीर आई के दर्शन के लिए। और बाकी जो मैंने ट्रैवल किया है वो विदाउट गोप्रो या फिर व्लॉग भी कभी बनाया नहीं है, ये मेरा पहला लंबा वाला व्लॉग बनने वाला है लंबा राइड का। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। आराम से ही चल रहा हो, ATV नॉर्मल ही है, ऐसे हाईवे पे 80 एकदम ठीक ठाक है, ज़्यादा ओवर स्पीड नहीं है। मज़ा आ रहा है, ज़बरदस्त। वापिस रुके है इधर का वड़ा देखने को कि इतना है या इतना है। क्या क्या बड़ा था वड़ा। चलो ये मुझे पहले देखना है कैसे आया है। ठीक है ये हो गया अपन जबरदस्त। देखिए हाथों की हालत। ये हम लोग ने अभी थोड़ा साइड में रुका के वड़ा पाव का ब्रेकफास्ट करने का सोचा है, और ये रही हमारे बाइक का क्या नाम रखूँ जरा सोच के बताइए मुझे। इसने अपने बाइक का नाम रखा है कैप्टन। चलो ये जो है वो मेरे को बार बार बहुत याद आ रही है उसको मेरी, इसको अभी उठा के थोड़ा बता देता हूँ कि मैं राइड पे आया हूँ। अभी हम लोग R15 M चला रहे, मैंने अपनी बाइक उसको दे दी है, और अभी हम लोग देखते हैं R15 M का टेस्ट राइड। बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा लगता है, नई गाड़ी है तो आराम से ही चलाओ, क्विक शिफ्टर भी है इसमें तो क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अभी फोर्थ गियर में है, ये देखिए फिफ्थ गियर, हाथ इधर क्लच उधर, दबाने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए टोल नाका आ गया है,
और ये अपने लिए तो बाइकर्स वालों के लिए फ्री है। कभी कभी इधर चेकिंग रहती है पुलिस लोगों की, हमारे पास नंबर प्लेट गाड़ियों में लगा हुआ नहीं है, तो हम लोग ढूंढ रहे हैं गैरेज पे, गैरेज मिल रहा है बट वो जो नट बोल्ट है वो नहीं मिल रहे, लोनावला में शायद मिल जाए। ये देखिए बिंगा, क्या मस्त ठंडगार वातावरण लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है। जैकेट विकेट पहना है तो गर्मी हो रही थी तो अभी थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है। देखिए ऐसे कुत्ते जो है ना बीच बीच में आते हैं, थोड़ा इनका भी ध्यान दीजिए, इनकी भी लाइफ है, आप भी थोड़ा आराम से ही चलाइए। कोई भी अगर कुत्ता आता है तो ब्रेक्स मारिए, बिकॉज़ ये कहीं भी राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कभी भी आके आपकी गाड़ी के नीचे आ सकते हैं। इसके लिए सेफ्टी रीजंस आप ये दिखते ही थोड़ा ब्रेक्स लगाइए, थोड़ा स्पीड कंट्रोल कीजिए, ताकि वो अगर आ भी रहा है तो आप वो स्पीड कंट्रोल करके आप उसको बचा सकते हो। ये देखिए खंडाला 27 किलोमीटर सिर्फ बाकी है और एकदम पद्धतशीर हम लोग 70-80 पे ही जा रहे हैं। कुछ घाई नहीं है, कुछ भी घाई नहीं है, सब एकदम 70-80 पे ही जा रहे हैं हम लोग, एकदम आराम से क्रूजिंग करते हुए। यहाँ तक आ गए वीडियो देखने के लिए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब किए बिना प्लीज़ मत जाना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ये ज़रूर करना। ये देखिए ये भगा रहे हैं मेरे दोस्त लीन करके। वापिस अपन अपने बाइक पे आ गए हैं, शुभम को उसकी बाइक दे दी है क्योंकि उसकी भी नई गाड़ी है तो उसको भी चलाने का बहुत शौक रहेगा, इसलिए मैंने भी ज़्यादा देर चलाई नहीं, एक्चुअली बहुत देर ही चलाई, उसको भी भागना रहेगा, वही हिसाब से मैंने वापिस उसको उसकी गाड़ी दे दी है। और ये गौ माता बीच में ही सोई हुई, गोप्रो का बैटरी खत्म हो गया था इसलिए दूसरा बैटरी लगाया। अभी अभी फोटो सेशन होने के बाद अभी हम लोग वापस कंटिन्यू कर रहे हैं अपना राइड, तो अभी ज़्यादा मैं वीडियो नहीं निकालूंगा, जितना इम्पोर्टेंट है वही निकालूंगा। वाओ ठंडा ठंडा लग रहा है ना, ज़बरदस्त लग रहा है, सब फॉगी फॉगी है, इधर बंदर भी बहुत है, और इधर आराम से चले हैं बिकॉज ये भी है कि कितने छोटे छोटे क्यूट क्यूट बंदर है। ए बस सूरज तुझा घरचे एवक एवक, ओहो पीछे गाड़ी पे बैठे के, ये देखे नीचे कुछ भी नहीं दिखे। ये देखिए लोनावला के स्टार्टिंग रोड में हम लोग पहुंच गए, इधर हमेशा गर्दी रहती है, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने जो आए वो इधर घूमते रहते हैं। अभी आगे आपको रोड नहीं दिखाऊंगा, एक वीरा मंदिर और जो इम्पोर्टेंट है वही दिखाऊंगा, इसके लिए मैं बैटरी सेव कर रहा हूँ, मेमोरी तो बहुत है बट बैटरी अभी लास्ट की एक ही बची है, इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा ही रिकॉर्ड करूँगा। ये देखिए शुभम इधर रुका है,
ये देखिए दोस्तों एकीराई का द्वार गेट। और अभी शुभम भाई को भूख लगी है तो थोड़ा देखते हैं उसके साथ नाश्ता करना है। हाँ ये लाइट ब्लिंक तो हाँ ये तो देखिए अभी हम लोग उधर से आए और इधर से होते हुए अभी हम लोग नीचे पायथा मंदिर के इधर आए। इधर पैर पड़ के वापस हम लोग ऊपर की ओर जाने वाले। इधर थोड़ा फोटो सेशन कर लेते पैर पड़ के। ये देखिए ये देवी का मंदिर है। ये अभी हम लोग नीचे और ऊपर जाना है। ये देखिए मेरा अभी दोस्त ये नई गाड़ी का पूजा करने आया है अपन इधर एकवीरा देवी पायथा मंदिर। देखिए गाड़ी की पूजा संपन्न हो गई है। अभी हम लोग ऑफिस ऊपर के मंदिर की ओर जाएंगे। बहुत ही बढ़िया है ये गाड़ी। ऐसे ही मेरा दोस्त 10-12 गाड़ी और ले इसके बाद। ये देखिए अभी हम लोग ने गाड़ी पार्क किया है। ये कलर की गाड़ी करनी है बस लोग चलेगा क्या लाडो ग्रे। मस्त पार्किंग किया है। मस्त नहीं बोल सकते बट पेड पार्किंग किया है सेफ्टी के लिए। उधर पीछे भी कोई कोई लोग लगाते हैं गाड़ी बट वो सेफ नहीं है। इसका नया गाड़ी है और मैं भी अपनी गाड़ी को नया ही मानता हूँ। इसके लिए भले ही पैसा जाएगा चलेगा बट अपन ने सेफ पार्किंग कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर दर्शन लेने को। ये देखिए इधर शॉप से ये क्या बोल रहे थे शुभम भाई रास्ता हो गया नीचे से ऊपर आधा रास्ता हो गया है। हाँ इधर से प्रॉपर स्टेप चालू हो गए जो ऊपर पहाड़ पे लेके जाएंगे। ओके तो इधर शॉप से अच्छे खासे शॉप से पूरे शॉप से इधर से लेकर ऊपर तक पूरे शॉप। अच्छा ऊपर तक शॉप से तो इधर कुछ प्रसाद लेना है शॉपिंग करना है कुछ गॉगल विगल लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए एकवीरा पांच पायरी पादुका मंदिर है। इधर अपन दर्शन लेके वापिस अभी ऊपर की तरफ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों क्या मस्त नज़ारा है। और ऐसे ही करके अपने को चल चल के बहुत ऊपर जाना है। मेरी तो अभी से ही सांस फूलने लगी है बट ठीक है मंदिर आते तो भगवान का नाम लिया तो ताकत भी आती है। हेलो बाहर फिर हम लोग चप्पल उधर ही निकाल दिए क्योंकि बिना चप्पल के भी घूमने का अलग ही मज़ा है। और ऊपर किधर निकालेंगे गायब व्यायब हो गया इसके लिए नीचे पहचान के थे पंडित जी
उधर ही निकल गया। आई एम ऑलवेज ऑन द रेस्टोरेंट। गूगल पे है दे दादा पर है। शुभम सेठ यार मैंने आता है, ये पांचवी बार आ रहा है, मैं पहली बार आ रहा हूँ। इसकी हालत खराब हो गई है, हालत सांस फूल गई है, बट चढ़ना तो है। जिधर से चलोगे ना मेरा पैर डालोगे स्टेप्स पे, वहाँ से लेकर ऊपर तक देवी का नाम लेके जाओ ना, सांस फूलेगी और ऊपर जाने के बाद इतना अच्छा लगता है। नाम लेने का एक विराई का, एक विराई हारे, इट वर्क्स। मन में लेते रहो, नहीं भूलेगी सांस। हाँ देखिए, ऊपर पहुँचते पहुँचते ही हालत हो गई है पसीने से। इधर पानी है, थोड़ा पैरों को आराम मिल रहा है। देखिए कुंकू जो है वो पसीने से पूरा नीचे आ गया। पन्नास नारायणी फुले कनोटी 100 हे किती लय साडीचं 200 लय कानाचं 100 लय कानाचं 50 वाले नारायणी हार। ओके कानाचं ये देखिए हम लोग ने ऊटी ली है, जिसमें नारियल हार ये सब सब चीज़ें आई। अभी अभी हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं। सब लोग ने एक एक लिया है, ये 100 रुपये का है, 50 में सिर्फ नारियल और हार मिलेगा। ये 50 का नहीं है, ये भी 50। ये 100 रुपये का है, आप चाहिए तो 50 का भी ले सकते हो। लाइन नहीं है रे, वाह क्या मंदिर है, चला बटा 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 सुपर ब्रे। ऊपर क्या वो बीच में पांच पांडव है ना, हाँ उनने ये मंदिर और ये बांधा था, पांच पांडव ने बांधा। हाँ जब भी इधर है चैत्र के महीने, चैत्र के महीने बहुत ज़रा इन्फॉर्मेशन दे। हाँ चैत्राच्या महिन्यात इकडे जेव्हा देवीचा सोहळा असतो त्या टायमाला असं पण मानलं जातं की इकडे वरती 5 पांडव दिसतात, पण ते खूप खूप कमी लोकांना, म्हणजे ज्यांना साक्षात्कार असतो त्या लोकांना फक्त दिसतो इथे वरती। आणि ही पुरा पुरा जागा भरलेली असते, पुरा पुरा गुलालाने वगैरे भरून जातं पुरा जागा। फोटो सेंड करा ना बघा, ती वरती आलं पण कसं आहे, खूप सुंदर वाटतं, खूप छान वाटतं। अक्षय आपले भाऊ बिझी आहे आणि आपण इथे ना जातो चालू दर्शनाला प्रवेश। आज गर्दी नाही, नाहीतर इथे कमीत कमी 3-3.5 तास तरी थांबावंच लागतं कमीत कमी। आज आमचं नशीब चांगलं आहे की आम्ही येतोय लगेच, आम्ही चाललो आपल्याकडे अक्षय। ही पुरा पुरा जागा भरलेली असते, त्या कोपऱ्यातनं एंट्री चालू होते, त्या कोपऱ्यापासून ही पुरा भरून भरून जागा पुरा भरून येते। ऑलमोस्ट 3.5-4 तास कुठेच नाही। आज खाली लवकर लवकर दर्शन होऊन जाईल आईचं। लोणावळ्याला जर तुम्ही व्हिजिट करत असाल ट्रीपसाठी वगैरे कशाहीसाठी, एकदा एकवीर आईकडे येऊन जा, तुमची माझी तुम्ही सगळी इच्छा पूर्ण होतेच। ऋषभ भाऊ हा बघा खूप थकून झालं आहे, यायची होती निकाल सकते सुंदी मी निकाल। राजेश्वर ऊपर चढ़ेंगे।
म्हणतो म्हणतो काय करतो ना खुश होतो मी दोन दिन बाकी माझी क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त। ये है देवी का मंदिर और एग्ज़िट होने के बाद इस सीधा आपको ये नज़ारा दिखेगा इधर से, ये खूबसूरत नज़ारा। के दर्शन हो गए, प्रसाद भी ले लिया। फॉग देखिए, फॉग अभी इसमें कितना क्लियर आ रहा है पता नहीं, बट बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। हल्का हल्का बारिश है, बहुत ज़ोर का भी नहीं है, हल्का हल्का है, तो एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है इधर आके, बहुत ही सुकून सुकून है इधर, रिलैक्स हो रहा है बहुत, माइंड फ्रेश हो गया। बहुत काम करके भी थक गए थे, तो रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है ये जगह। एक बार इधर ज़रूर विजिट कीजिए, ये देखना तो ज़रूर बनता ही है। मंदिर में आप दर्शन होने के बाद ये प्लेस देखना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एग्ज़िट होते ही ये दिख जाएगा, तो देखिए कितना ही ग्रीनरी है इधर, कितना फॉगी है। चलिए अभी हम लोग बाहर जाके थोड़ा फोटो सेशन करते हैं। ये देखिए एकवीरा आया के ऐसा पोज नहीं दिया तो एकवीरा आई है, ये फोटो आना चाहिए, ये ऐसा फोटो कंपलसरी है इधर आके, नहीं तो आना नहीं, नहीं तुम्हें ठीक नहीं निकला, एकवीरा आई का ये नहीं आया। देखिए ये फोटो कंपलसरी है, ये आना ही चाहिए। अभी मैं भी निकालूंगा ऐसे ही सेम पोज। अभी हमारा दर्शन हो गया है, फोटोशूट भी हो गया है, अभी हम लोग खाना खाने के लिए दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, बहुत लोग वीडियो रील्स वगैरह सब चालू रहते हैं इधर। ये देखिए इधर अंदर भी कुछ है, उधर पांच पांडव लोग यहाँ पे रहते थे, और एक रात में पांच पांडव ने एक राय का देवी मंदिर बांध के दिया। पांच पांडव ने एक रात में ये देवी का मंदिर बांधा था, ये पूरा पूरा सब बाप रे, एक रात में ये सब। वो टाइम पे भी इतना सब कुछ करना बहुत ही मानना पड़ेगा पांच पांडवों को। जब वो वनवास के टाइम में निकले तो सब भाग रहे थे। अच्छा, यहाँ पे तो शायद जाने नहीं देते, बस अंदर जाने देते हैं। हाँ, अंदर जाने के बाद पूरा अंदर उनका रहने घूम सकते हैं। हाँ, अंदर पूरा, जिससे अंदर पूरा है घूमने का। अभी अपने को टाइम नहीं है तो हम लोग भी घूम लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं नहाने के लिए, उनका नहाने के लिए इधर। अच्छा, वहाँ पे नहाने के लिए भी कुछ है, तो चलिए अभी हम लोग निकलते हैं। राइड करते करते रुक रुक के थोड़ा आराम से ही जाएंगे हम लोग। सोचा था टाइगर पॉइंट भी जाए, बट लेट हो गया है, बज गए अभी चार शायद से, मैं वॉच नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाथ में ये है। ये देखिए इधर इधर ऐसा नहाने के लिए ये दबदबा है, ये दबदबा ना स्नान करते जो। अच्छा, इधर करते हैं। पानी कम हुआ है, वो टाइम पे बहुत जोर से रहता था। अभी बारिश का टाइम गया ना, इसके लिए थोड़ा पानी कम है, वरना पानी बारिश के टाइम पे तो बहुत रहता है। हाँ अरे मज़ा आएगा इधर, पर अभी इधर अलाउड नहीं है, पहले शायद लोग नहाते थे इधर, हमारे इधर अलाउड नहीं है, पहले से ही बंद है। हे गाइस, लॉक काट लो इधर। अपने सब्सक्राइबर करना, सब्सक्राइब करण्यासाठी खूप सारे पब्लिक जमा झाली आहे, खूप खूप धन्यवाद यांना सब्सक्राइब करण्यासाठी। हे बघा, हे सगळे मित्रजणी पुण्यावरून आलेत, खूप चांगलं वाटलं यांना भेटून, खूपच चांगले मित्र बनलेत। थँक्यू फॉर सबस्क्रायबिंग माय चॅनल।
हे बघा या शॉप मधून हे विशाल मामा हो हे माझा मामा आहे मी सोनू पुण्यातला हा माझा विशाल मामा तुम्हाला काय गोष्टी भेटी साडी काय घ्यायचं असेल त्याच्याकडे नक्की घ्या हो नक्कीच घ्या आपल्यासाठी स्पेशल डिस्काउंट पण असेल हो नक्की मिळेल जय एकवीरा जय एकवीरा जय एकवीरा जय एकवीरा आमच्या अक्षय भाऊ या अक्षय भाऊला फॉलो लाईक सबस्क्राईब करा पण एकवीरेचा पुजारी आहे तुम्ही नक्की करा त्यांना फॉलो करा मनापासून कष्ट करता खूप कष्ट करता लहानपणापासून कष्ट केलेला आहे असंच तुमचं प्रेम सपोर्ट लाईक खूप करा त्यांना कायम त्यांना मोठं करा आहे माऊली तरी स्पीड थँक्यू थँक्यू सो मच अक्षय ये देखिए इधर मस्त आपको किचन्स वगैरह सब मिलेगा प्रसाद देवी का फोटो मूर्ति सब आपको इधर अवेलेबल रहेगा अब जो भी चाहिए हाँ ऐसा ये फोटोज भी अवेलेबल है जो चाहिए आप इधर से खरीद सकते हैं बहुत ही सुंदर है देखिए इनका शॉप है देखिए यहाँ से भी मस्त नज़ारा है और इधर थोड़ा स्टिफ हाइट पे जुड़े जमाने का पायरी है इधर तो एज लोग है तो थोड़ा ध्यान से आए ये देखिए डोके उल्ट पड़ना सगड़े भी करना के हो थोड़ा आराम से जाओगे उतना अच्छा है एजेड लोग है वो आराम से आए कुछ घाई करने की ज़रूरत नहीं इधर हैंड बार हैंडल दिया है इसको पकड़ पकड़ के आ सकते हो इधर नीचे दो मंदिर है हाँ। एक मंदिर है वो जो उम्र के जो लोग हैं मुझे दादाजी बोलो या दादी हाँ। बोलो उनको कैसे ऊपर चढ़ने को नहीं होता कुछ दर्शन नहीं मिलता तो नीचे दो मंदिर दिया है उधर दिया है मुख दर्शन मंदिर वीरा देवी का मुख दर्शन मंदिर है आप नीचे भी दर्शन ले सकते हो और आप दिल से हाथ मारोगे तो मैं भी किधर जा सकते हैं आपको मिलने जी देखिए थोड़ा आराम से ही जाओ हैंडल पकड़ पकड़ के बहुत ही खतरनाक है एज लोग जिसका एज है वो तो थोड़ा संभल के जाओ Thank you.
हे बघा
बघा यांच्याकडून आशीर्वाद घ्या, खूप चांगलं आहे. आशीर्वाद द्या. देखिए गाइस, अभी दर्शन वगैरह हो गया है और अभी हम लोग गाड़ी निकाल रहे हैं. इधर पार्किंग किया था, ऊपर दर्शन हो गया, सब एकदम व्यवस्थित. अभी हम लोग वापस, थोड़ा सामान है हमारे हाथ में, इसके पीछे बैग है और एक ये थैली बढ़ गया है. तो अब हम लोग धीरे धीरे से आराम से एंजॉय करते करते ही जाएंगे, कुछ घाई नहीं है. चलिए अभी गाड़ी निकलते हैं. विली होता है विली. चलो, न्यू बाइक सुपरमैन इज रेडी फॉर राइड. चलिए अभी हम लोग इक्विरा आई के मंदिर से निकलते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं. आराम से ही जाना है, कुछ घाई नहीं है. ये देखिए इधर मस्त व्यू है. और जो जिसको अंदर पार्किंग नहीं मिलते वो लोग यहाँ पे ही लगाते हैं गाड़ी. ये देखिए ऐसा व्यू है, मस्त व्यू आ रहा है, शायद आपको दिख रहा नहीं, पता नहीं. फोर व्हीलर के लिए थोड़ा पार्किंग कम है क्योंकि बहुत गर्दी होता है, तो लिमिटेड पार्किंग से है, तो वेट करना पड़ता है कार वालों के लिए. और बाइक्स तो किधर भी लगा के आप जा सकते हो, किधर भी नहीं, अंदर ही लगाना है पार्किंग में ही. या फिर आपको पार्किंग फुल होने के बाद ऑप्शन यही है कि आप बाहर इधर उधर साइड में किधर तो दबा के लगा सकते हो, जिसकी वजह से बाहर दूसरों को प्रॉब्लम ना हो. देखिए टर्न, देखिए कितना एकदम शार्प टर्न है. इधर से पूरा गाँव दिखता है. और ये देखिए इधर बहुत ही कम जगह है बड़े बड़े व्हीकल्स को पास होने के लिए. अगर ये इधर, ये देखिए सूरज दा ढाबा. सूरज ढाबा पे हम लोग अभी खाना खाने आए. इधर चिक्कल देखिए, कितना चिक्कल है. अभी ये नया नया गाड़ी इसने चिक्कल में डाला है. ये देखिए अभी हम लोग ढाबे पे आए हैं. इधर हम लोग ने मंगाया है पनीर. क्या रे? पनीर, पनीर काजू मसाला. पनीर काजू मसाला. ये देखिए क्या चमचमित मसमचित है. और ये चार रोटी और ये ग्रीन चटनी, नमक और ये नींबू. मस्त बिके, हम लोग इस पर ताव मारेंगे. और ये हमारा उपवासा सा बंदा खातो है फिंगर चिप्स. मैगडी मध्ये आला यार. नाही रे, उपवास करतो आहे हे महत्वाचं आहे. आम्ही आमच्यासारखे ना आहे जे भेटेल ते दाबत राहायचं. जे भेटेल ते खात राहतो आम्ही. फोटो देखले. हा हा, फोटो देखले. फुल प्रोफेशनल. ये देखिए शुभम कुछ तो कहना चाहता है, कुछ रेसिपी बता रहा है. कैसे खाने का शुभम? ये देखिए इसने अभी ले लिया है एक प्लेट में पनीर काजू मसाला. और ये थोड़ा सा चटनी लिया है बाजू में. और मैंने ये कांदा लिया है. मैं भी इसको खाने का टेक्निक बताता हूँ. कांदा ऐसा नींबू ना, एक नींबू लेने का कांदे पे सब पीलने का. देखिए ये भी पील रहा है नींबू. देखो ये सब पीलने का. और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर मैं आपको आगे दिखाऊंगा. चालू रहे. जो मैं बना रहा हूँ ना वो बना रहे कुछ, तो तब तक मैं भी पनीर का काजू ले लेता हूँ. ये देखिए चीज़ भी काजू नहीं, काजू पनीर बाजू ना, जो भी काजू बाजू है, बट है तो बाजी वो ले लेते. ये देखिए सुबह मम्मी बताने वाले कैसे खाते हैं काजू पनीर मसाला. इसको ऐसा कांदा डालने का, अरे कांदा डाल के हरी मिर्ची हरी चटनी में डुबो के ऐसा दबाने का, ऐसा मस्त खाने का ना. फिर एकदम थोड़ा सा कांदा खाने से ना उनके झुरिया जो है ना कम होती है, लाइफ बढ़ती है. कांदा खाते रहिए. ये अभी हम लोग निकल चुके हैं मस्त खाना बिना खा के. एकदम बढ़िया खाना था, ज़बरदस्त खाने का टेस्ट तो एक नंबर था, एक नंबर. आप भी ज़रूर यही ढाबे पे जाइए, बहुत ही टेस्टी खाना है. एक वीरा से निकलते ही लेफ्ट साइड में है वो, तो आप उधर ही खा सकते हैं.
नॉनवेज भी था उधर, बट आज नहीं खा सकते हम लोग। आज हमारा एक जन का उपवास है और हम दोनों का उपवास नहीं है, तो अभी वेज खाया हम लोग ने। सैटरडे है इसके लिए। तो अभी हम लोग ने वापस एंट्री मारा है लोनावला सिटी में, और इधर आप ट्रैफिक देख ही सकते हो कि कितना ट्रैफिक है। लोनावला सिटी, ट्रैफिक जाम। पहले ना इधर सीढ़ी है, इधर सीढ़ी से ना आप ऊपर जाके फ़ोटो वीटो खींच सकते हो, बट वो बहुत डेंजरस जगह है, उधर जाना मतलब मौत से खेलना। और ये देखिए वैलीज, मस्त मस्त वाटरफॉल्स वगैरह है इधर, आप रुक के एंजॉय कर सकते हैं। आगे रुकते आगे। इधर नहीं रुके तो क्या ही रुके, देखिए इधर सभी लोग इधर आके रुकते ज़रूर है, तो आप भी एक टाइम पास के लिए रुक सकते हो। ये देखिए इनका गाना अच्छे, देखिए ये देखिए बादल बादल बरसा बेजोली सावन का पानी। वो देखिए फैक्ट्री या कोई ब्रिज बन रहा है, मस्त दिख रहा है इधर व्यू। नाचना एक बार नाचना का पानी। ये देखिए इधर अभी रुके थे हम लोग थोड़ा पिक्चर्स निकालने के लिए, फोटो निकालने के लिए, बट इधर वो जो उधर है ना कुछ तो ट्रैक थे रेलवे के, बट अभी वो भी नहीं दिख रहे, इतना फॉगी फॉगी हो गए। ये देखिए अभी हम लोग वापस ये सुसाट रोड पे आ गए। इधर हम लोग 60-70-80 तक ही चला रहे, ज़्यादा ओवर स्पीड में नहीं जा रहे। ये देखिए जगरमगर ना, बकवास लग रहा है वो। ये देखिए सिर्फ 1 ही किलोमीटर। ये देखिए ऐसे इडियट ट्रक ड्राइवर रहते हैं ये साले। देखिए सिर्फ 1 किलोमीटर बचा है 13,000 होने के लिए, सिर्फ एक। यस 13,000 कंप्लीटेड, बाइक ने 13,000 कंप्लीट कर लिया है। अभी और भी बहुत राइड्स बाकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन R15V3 फॉर कंप्लीटिंग 13,000, मेनी मोर टू गो। अभी अपनी गाड़ी सही पटरी पे आ गई है, सही रास्ता है। अभी हम लोग पनवेल में हाईवे पे है, अभी हम लोग सीधा सीधा जाएंगे, वासी आएगा, आयरोली आएगा, ये सब आते आते अपना डेस्टिनेशन थाने आ जाएगा, तो अभी हम लोग सेफली घर पे चले जाएंगे। अभी बीच में हम लोग जा रहे थे तो पीछे से एक जन का एक्सीडेंट हुआ, वो देख के हमारी थोड़ी सी घबराहट हो गई दिल में, तो अभी हम लोग आराम से जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ जैसा गाड़ी चलाते हैं, तो आप इनसे सावधान रहिए, वरना ये आपको कुचल के आगे निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं बैठे रहोगे।
दोस्तों हम लोग ने पिनियन को ड्रॉप कर दिया है उसके डेस्टिनेशन पे, उसके घर पे। अभी हम लोग हमारे घर पे जा रहे हैं। तो ये व्लॉग इधर ही एंड होता है। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा मुझे कि ये व्लॉग कैसे बना है। आप बताओगे तो ही मुझे समझेगा कि और क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या नेसेसरी है मेरे व्लॉग में। तो जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज नए फ्रेंड्स बने और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत था, दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये व्लॉग एंड तक देखना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कुछ अलग लेके आऊँगा। टिल देन टेक केयर, बाय, सी या।